इससे कोई मुख्यमंत्री पद कम नहीं होता है, घटता नहीं है। अगर कोई कहे कि ये मेरे सीनियर है, ये मेरे गुरु है, मैं इनकी बात सुनूंगी, इनसे मैं विचार विमर्श करूंगी, सीएम वही रहेंगे। पद्मजा जी, अव्वल तो आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उनकी जन्मदिन पे, शिवम भाई को, और आतिशी जी को बहुत बहुत बधाई, वो देश की मुख्यमंत्री बनी। थोड़ा म्यूजिक आएगा क्योंकि आज गणपति जी, गणेश जी का विदाई हो रही है हमारी पुणे में, तो थोड़ी सी म्यूजिक आएगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दो या तीन चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आम आदमी पार्टी और मेरे मित्र जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लीज भगवान राम का एग्जाम्पल देना बंद करें। भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा था जब उनके पिताजी राजा दशरथ आए थे उनके पास कि आप चले जाइए वनवास में, कि मैं दो दिन के बाद चला जाऊंगा। उसी वक्त का रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बनाकर कोई मीडिया को बाइट देकर नहीं गए, इमीडिएटली चले गए। वो भरत आए उनके पीछे, आतिशी जी को उन्होंने चुना नहीं, उन्होंने भरत को चुना नहीं, जो उनके पिताजी और माताजी को करना था उन्होंने उन पे छोड़ दिया, वे चले गए, अपना धर्म में निभाए। तो प्लीज हम अरविंद केजरीवाल जी की तुलना भगवान राम से ना करें। ना ही मुझे लगता है वो जो शब्द का प्रयोग किया गया था संगीत रागी जी द्वारा कि आयाश, वो शब्द मुझे लगता है वो गलत है, वो मुख्यमंत्री के लिए नहीं यूज करना चाहिए, फॉर्मर मुख्यमंत्री के लिए। मेन बात यह है, अगर आतिशी जी क्या केपेबल है मुख्यमंत्री बनने के लिए, या वो केयर टेक करे, मैं मानता था वो एक बहुत केपेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वो केपेबल है तो उनके चेहरे के नीचे क्यों चुनाव नहीं लड़ा जाएगा? और अगर वो टेम्पररी है तो क्या है? दिल्ली की आवाम, दिल्ली की जनता का अपमान ही है। मैं मानता हूँ वो केपेबल है, तो आप क्या दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी की इनिंग समाप्त हो गई, आतिशी बनेगी, अगला चुनाव आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे लड़ा जाएगा। अगर एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठ के, कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर बैठ के कहते हैं मुझे फूल मत दीजिए, मेरी फोटो मत लीजिए, मैं तो टेम्पररी मुख्यमंत्री हूँ, यानी कि आप गंभीरता से दिल्ली का गवर्नेंस नहीं करना चाहते। तो अगर आप गंभीरता से नहीं करना चाहते, मैं मानता हूँ दिल्ली की आवाम ही चुनेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं, और मैं नहीं मानता हूं लोकसभा चुनाव पैमाना था, तो आप असेंबली डिसॉल्व कर देते। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, आर हर एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट या एलजी के पास जाकर असेंबली डिसॉल्व करते, आप चुनाव करा देते। इलेक्शन कमीशन इज ड्यूटी बाउंड टू हैव इलेक्शंस, इलेक्शंस लगना ही लगना है, इलेक्शन आपको कराना ही है, आप उसको डिले नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन, आपने असेंबली क्यों डिसॉल्व नहीं किया? एक और आप कहते हैं बीजेपी को हम चैलेंज करते इलेक्शन कराओ, दूसरी और असेंबली डिसॉल्व नहीं करते, तीसरी और मुख्यमंत्री कहते मैं तो मुख्यमंत्री हुई नहीं, उसके बाद आप कहते अरविंद केजरीवाल के चेहरे के नीचे इलेक्शन लड़ोगे, उनके चेहरे के नीचे लड़ोगे तो उन्होंने रिजाइन क्यों किया? नहीं, उनके चेहरे के नीचे लड़ना है तो आतिशी जी क्या टेम्पररी है? ये कोई चीज का कोई तालमेल नहीं है, कोई चीज का कोई बैलेंस नहीं है। राजेश जी, जैसे कि चंपई सोरेन को हमेशा दुख रहा, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा फिर मेरे को हटा दिया गया, देखिए क्या हुआ। बाबूलाल गौर जी के साथ देखिए क्या हुआ, नहीं तो जीतन राम मांझी के साथ देखिए क्या हुआ, बुरा तो लगता है। देखिए, मैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं हालांकि उनके ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकता, उनकी पार्टी के लोग दे तो अच्छा है, लेकिन मेरी दूसरी बात यह कहनी है कि वो एक रेगुलर पार्टीज है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी नहीं है। अगर आप आतिशी जी के बारे में आप जानते हैं कितनी पढ़ाई, कितनी लिखाई, उसके बाद में आके जो हमारा मैनिफेस्टो बनाया उसकी टीम की वो सदस्य रही, उसके बाद मनीष जी के साथ में बिना पैसे के, एक रुपया भी एलजी साहब ने मना कर दिया था, जो एक रुपये पे काम वो कर रही थी, ऐसे ओएसडी काम करा, शिक्षा के ऊपर बहुत काम करा, 2020 में आके उस चुनाव को उन्होंने लड़ा, वो जीती, दिल्ली के सबसे ज़्यादा मंत्रालय उनके पास में। अगर एक महिला चुनाव मुख्यमंत्री बन जाती है तो कितने लोगों के पेट में क्यों दर्द होने लगता है, मुझे बड़ा अचंभा होता है। दूसरी बात, इस महिला की है कि वो किसी को अपना गुरु मानती है, इसमें भी एक मिनट, इस पे भी इनको आपत्ति है, ये उस महिला की चॉइस है ना। राजेश गुप्ता या अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे आतिशी को कि भाई कहो कि वो तुम्हारे गुरु हैं, वो है। आतिशी जी खुद माननीय मुख्यमंत्री हैं, आज वो खुद कह रही है कि मैं अरविंद के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती हूं, अपना गुरु मानती हूं, उनकी चॉइस की तो रिस्पेक्ट करो, इनको तकलीफ आतिशी जी की रिस्पेक्ट करो, एक महिला की रिस्पेक्ट करो चॉइस की। राजेश जी बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन है, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कब कहा कि वो मुख्यमंत्री ना बने, मैंने कब कहा कि वो किसको गुरु माने, वो अरविंद केजरीवाल जी को माने और किसी और को माने, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं, अगर आप जैसे कह रहे हो कि वो केपेबल है, मैं मानता हूं केपेबल है, वो उनके चेहरे के नीचे क्यों चुनाव नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चुनाव जाते आप असेंबली को डिसॉल्व क्यों नहीं करते? वो किनको गुरु मानती है, वो अरविंद केजरीवाल जी को माने या आपको माने? आपको वैसे मानती नहीं है वो, लेकिन आपने आपका नाम डाल दिया तो कह दो वो आपको माने, उससे मुझे या शिवम भाई को क्या आपत्ति है? वो आपको भी माने गुरु, सबको माने, मुझे हमें से क्या मतलब है, उसका उनका व्यक्तिगत मामला है, वो किसको गुरु मानती है। उनके नाम पे लड़ लीजिए अब आप चुनाव, सारे पोस्टर में, और असेंबली डिसॉल्व कराइए, असेंबली डिसॉल्व कराइए, हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक। मेरा ये कहना है कि जो भी चुनाव होता है, एक फेस होता है जो मुख्यमंत्री का होगा, उसके नीचे विधायकों के, मंत्रियों के भी तो फेस होते हैं, तो चुनाव लड़ा जाएगा तो हम मोदी जी की तरह तो कहते नहीं भाई वोट वहां डाल दो मेरे पास आ जाएगा। अरविंद जी ने 2020 में ठोक के कहा था,
अगर मैंने काम किया है, मेरे विधायकों ने काम किया है तो वोट देना। अब की बार भी कह रहे हैं अगर मैं ईमानदार हूं, अरविंद जी कह रहे हैं, और मेरे विधायक ईमानदार है तो वोट देना। अब बताओ इससे खुल के जनता में कोई क्या कहे? हम मांस पे मछली पे मुसलमान पे तो वोट नहीं मांग रहे, हम तो बिल्कुल साफ कह रहे भाई काम किया है, ईमानदार है तो वोट दे देना। ठीक है, काम पर वोट मांग रहे हैं और शहजाद से बात करना वापस मैं आपके पास आऊंगी।